स्टोरी, ठीक है, कॉलेज स्टोरी। हाँ ठीक है, यस, प्लॉट समझा रहा हूं, वाह वाह हो जाए एक बार। हाँ, फर्स्ट ईयर के और भी बहुत सारे हॉस्टल थे इसमें। यहां पर कहीं पर मेस वाला एरिया था, बाहर ग्राउंड था, ये बिल्डिंग थी, फिर यहां पर एक और बिल्डिंग थी। समझने की कोशिश करना जरा, ठीक है। इस प्रकार यहां पर ये मेस वाला एरिया है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये हॉस्टल की एंट्री हुआ करती थी। बाकी ये जो मैंने डॉट 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 दिखाया, दीज आर फेंस। फेंस समझते हो, फेंस समझते हो, फेंस। हाँ, फेंस जब आप बाउंड्री कर देते हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, जब आप जाते हो तो वहां पर आपको शेयरिंग बेसिस पर रूम मिलते हैं, शेयरिंग बेसिस पर, समझ पा रहे हो? हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड या थर्ड ईयर में आपको सिंगल रूम्स अलॉट हो जाएंगे, और जिस साल हम गए थे उस साल आईआईटी की सीट्स या मेंस की सीट्स बढ़ी थी, तो वो जो रूम्स डिजाइन थे, ये हॉस्टल बहुत पुराने थे, मतलब ये तब से हैं जब से ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, ये हॉस्टल्स। और फर्स्ट ईयर को ही सबसे पुराने हॉस्टल्स मिलते हैं, फाइनल ईयर और जो बाकी पीएचडी वगैरह स्टूडेंट्स हैं, एमटेक वाले, उनको नए नए हॉस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पहुंचे तो ये बहुत ही जर्जर हालत में थे हॉस्टल्स, कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट अलग होता है, इनकी हालत पे कुछ कमेंट ध्यान जाता भी नहीं है। तो यहां पहुंचे तो क्या हुआ, वहां पर क्या है, आपको एक रूम में, इसमें जो पहले से जो बनाया गया था, जिसको सोचकर वो रूम का डिजाइन था, एक रूम में तीन बच्चों को अलॉट होगा, ठीक है, फ्रेशर्स इसी में आएंगे, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स बोल दीजिए, फ्रेशर्स बोल दीजिए। तो हमारे से केस में सीट बढ़ी थी, तो यहां पर अब क्या हुआ, सीट बढ़ी तो अचानक से हॉस्टल तो नहीं बढ़ा सकते, तो उन्होंने ऑक्यूपेंसी बढ़ा दी, एक ही रूम में अब तीन तीन की जगह चार चार स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना स्टार्ट किया। तो भैया पहला ही दिन था, बैग वैग लेके पहुंचे, वहां पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, आपका एडमिट कार्ड दिखाना होता है, उसके बाद में वो आपको एक आईडी कार्ड बना के देते हैं, वो आईडी कार्ड अभी टेम्परेरी होता है, बाद में प्रिंट होकर नए वाला बनता है, वो आईडी कार्ड दिखाकर आप अपने हॉस्टल्स में जा सकते हैं, हॉस्टल अलॉट होते हैं। तो पहले दिन शाम को पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है, आया ना, शाम को पहुंच गए थे, मतलब रूम में जब पहुंचा, और बाय डिफॉल्ट उस दिन जब हम लोग पहुंचे तो अपना अपना सब लोग वो बोलते ना, हाँ रूम, वो देखा वो थ्री इडियट्स में लिस्ट लगती है वैसे ही, तो लिस्ट भी लगी हुई थी, आपको जब काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो फर्स्ट डे में, तो आपको बता भी देते हैं कि आपका रूम नंबर ये है और बेड नंबर ये है, तो अंदर जाकर आप आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं एडजस्ट हो ही रहा था, हम सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, चार लोग इस रूम में इकट्ठे हुए, और पहले वार्डन जो था वो सबको इकट्ठा करके पेरेंट्स से बातें कर रहा था, कुछ कुछ अलग माहौल था, सभी लोग आ रहे थे अंदर। तो ऐसे करते करते ये जो है कहानी, रात के 12 बज गए अचानक से, ठीक है, और मैं जिस दिन कॉलेज गया था उसके अगले ही दिन मेरा बर्थडे था, मतलब 26th ऑफ जुलाई को मैं वहां गया, 27th को मेरा जन्मदिन होता है। अब 12 बजे तो अपने को तो यही आदत होती है किसी का फोन आएगा और ऐसे वैसे, तो घर वालों के फोन आ रहे थे वो अलग बात है, बट जब घर वालों का फोन आया, मैंने उठाया, तो वो जो मेरे साथ में जो लड़के थे और तीन जो मेरे नए रूममेट्स थे, उनको पता चल गया कि भैया इसका आज जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ यार, आज सेकंड डे है कॉलेज का, मतलब ऑफिशियली फर्स्ट डे बोल दो और मेरा जन्मदिन है। वो बोले कि पार्टी चाहिए। मैंने ठीक है। अब यहां पर क्या, इस हॉस्टल के अंदर कोई कैंटीन नहीं होती, छोटी सी एक दुकान होती है जिसपे आप साबुन तेल पेस्ट ये सब चीजें खरीद सकते हो, ठीक है, और मैस होती है, मैस में खाना मिलता है। और आपको क्या होता है, जब आप फ्रेशर्स होते हो, रैगिंग से बचाने के लिए कॉलेज कैंपस तक गार्ड्स की एक टीम लेके जाती है, समझ में, गार्ड करके आपको कॉलेज कैंपस तक पहुंचाया जाता है। इनिशियली में आपको ऐसा लगता है, और इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, दिस इज टू अवॉइड रैगिंग, ठीक है, कि किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म ना हो, इस वजह से गार्ड्स आपके साथ जाएंगे, काउंट करके वहां पहुंचाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद में काउंट करके वापस ले आएंगे। आप इनिशियली 1.5-2 या 3 महीने इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर ही रहोगे, यू आर नॉट सपोज्ड और अलाउड टू गो आउटसाइड, आया ना, तो वो थोड़ा सा जेल टाइप का है, बट कोई बात नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हॉस्टल की बाउंड्री खुद इतनी बड़ी है, आप इसी में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ जरूर पार्टी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, बट मैंने कहा तो बाहर जाने नहीं देंगे अपने को, क्योंकि रूल्स पहले ही दिन समझा दिए जाते हैं, तो मैं जिस दिन बाहर जाने देंगे उस दिन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे में जो है वो एक था, हम चारों में से ही नए नए दोस्त बने थे, और नए नए दोस्त बने थे, हमारे चारों में से एक था जो बोल रहा था कि अपने ना एक काम करते हैं, संडे को चलते हैं। मैं कहा, मतलब आप जो बहाना वहाना लगा कर ना, ऐसे थोड़ा बहुत चलता है, आप एक काम करो, कॉलेज की पूरी बाउंड्री से ही बाहर निकल जाओ, कोई भी एक बहाना ले लो, जैसे कि मुझे कुछ अपने चीजें खरीद के लानी है, मुझे किसी से मिल के आना है, मैं घर जाना चाह रहा हूँ, ऐसी कुछ बातें करके आप पूरा कॉलेज लीव कर जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई, उस लड़के ने बोला कि अपने एक काम करते हैं, संडे वाले दिन चलते हैं, सुबह सुबह बहाना लगा देंगे कि आप सैटरडे को, सॉरी संडे को सुबह सुबह बोल देंगे कि हम लोग तो घर जा रहे हैं, घर जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम बाहर निकल जाएंगे, फिर घूम फिर लेंगे, पार्टी वार्टी करके वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये ठीक है, चारों ने सहमति अपनी अपनी दिखाई, सहमति, बोले ठीक है। फिर मैंने बोला वापस कैसे आएंगे, ये तो बता, जा तो चल तू, ये बोल के चला के घर जा रहे हैं, वापस बोलेंगे, बोल देंगे कोई बात नहीं, वापस आ गए हम। टाइमिंग जो है, जैसे कि यहाँ पर हमें हॉस्टल्स में 7 बजे के बाद में अंदर आना अलाउड नहीं था, उसके बाद में फिर वार्डन को कॉल होती थी, वार्डन के पास कॉल जाता था कि ये बच्चा आया है और ये इतना लेट आया है, पता नहीं कहाँ घूम रहा था। इनिशियल डेज की बात है, ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट द 4 ईयर्स होगा, नहीं, ये बाउंड्रीज, ये फेंसेज, ये बहुत जल्दी हट जाती है, ठीक है, फिर खुला ही होता है, कब आओ कब जाओ किसी को कोई मतलब नहीं है।
समझ में आएगी नहीं। तो फिर मैंने कहा वापस आएंगे तो यार वो अपने को कुछ बोले, बोले नहीं अपने जल्दी वापस आ जाएंगे, दोपहर का ही वक्त होगा आके बोल देंगे। अलग अलग तरीके से एंट्री करेंगे, एक जैसे दो दो गेट है, एक इस तरफ भी गेट होता था एक इस तरफ भी, बोले दो इससे गुजरना दो इससे गुजरना, बोल देना घर से आए हैं कल क्लास है ऐसे करके। ठीक है भाई ये डन हुआ। चलो सुबह सुबह एकदम तैयार हो गए 6 बजे, बोले हम तो घर जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से निकल गए बाहर। एक जॉइंट पॉइंट पे मिले, मतलब कि जहां पर सारे तीनों इकट्ठे हो गए, हम लोग चारों इकट्ठे हो गए बैठे। फिर वो जो है छोटा सा ही शहर है, ज्यादा कुछ घूमने का है नहीं, उसमें मॉल है एक, वहां घूम फिर लिए। फिर उन्होंने बोला कि पार्टी दो, तो मैंने थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी भी क्या वो कुछ खाएंगे पिएंगे, खिला पिला दिया पेटीज वेटीज समोसे पिज्जा जो खाना है खिला दिया। फिर एक बोला कि मुझे मूवी देखनी है, और उस वक्त हैरी पॉटर आई थी नहीं, मतलब शायद 5th या 6th पार्ट था जो भी था। मैंने कहा ठीक है ये चलो हैरी पॉटर देखते हैं। अब वो जो टाइमिंग उसने चूज की, वो शो था 3 से 6 वाला, ठीक है। तो हैरी पॉटर में हम 3 से 6 बजे तक बैठे रहे, 3 से 6 बजे के बाद में चारों के मन में एक ही था कि भैया 6 बज चुके हैं, अब जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से हॉस्टल की तरफ मूव किया जाए, वरना वो हमें एंट्री नहीं देंगे, और एंट्री देंगे तो पूछताछ बहुत होगी, जिसमें वार्डन के पास फोन जाएगा, वार्डन घर वालों को फोन करेगा, घर वाले से पूछा जाएगा कि आपके बच्चे घर आए थे क्या, आज ही घर से इतना लेट आए हैं। तो फिर मैंने कहा फंसेंगे भैया भागो, फुल तेज भागे। जैसे ही हम यहां पहुंचे तो हमें दिख गया कि यहां पर कुछ लोगों को उन्होंने रोक रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है, दे आर नॉट सपोज टू एंटर डायरेक्टली, क्योंकि टाइमिंग हाँ वो हो चुकी थी 6 बजे ही उन्होंने रोक दिया, बोले अब नहीं जाने देंगे, फोन करवाओ घर से ये करवाओ वो करवाओ। तो अब प्लान में ट्विस्ट, बोले कि अब क्या करें, बोले एक काम करते हैं कल सुबह जल्दी आएंगे, ठीक है ये सब मैं तो हाँ ही बता था, जो भी प्लान बना था पार्टी बॉय मैं हाँ भरे जाना मैं, ठीक है जो तुम बोलोगे वैसे करते जाएंगे भाई, अब बताओ ये अंदर तो जाने नहीं देंगे, जाने देंगे तो पूछताछ होगी, घर पे फोन होगा, तैयार हो तो करवा लो फोन। पहले दिन ही बोले घर वाले वापस लेने आ जाएंगे, बोले आ जाओ बहुत होगी इंजीनियरिंग। तो फिर बोला गया कि हम कल सुबह जल्दी आते हैं जब हमारी क्लासेस का टाइम होगा। इसमें भी ओपी प्लान सुनना कि कैंपस में जाते हैं सीधा सीधा क्लास में एंट्री ले लेंगे और फिर इनके साथ वापस आ जाएंगे, बट मैंने बोला वो तो काउंट करके आता है, तो बोले कोई बात नहीं एक काम करेंगे कॉलेज बाहर से आएंगे वापस सीधा सीधा इनके पास सुबह सुबह आ जाएंगे, बोले बस अभी आई है सुबह सुबह तो ये एंटर करने ही देंगे। मैंने कहा ये ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा उससे पहले हमने एक कोशिश की इधर से फेंसिस से घुसने की, बट भैया गार्ड की पूरी एकदम ओपी प्रोटेक्शन, इस कोने पर गार्ड यहां गार्ड, वो देख रहे हैं एक दूसरे को, नहीं जा सकते आप अंदर, और कैंपस में आप ऐसे फ्रीली भी नहीं घूम सकते, ठीक है क्योंकि यहां पे आप चलो यहां से चल के यहां जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है चलो गार्ड मिले ना मिले, बीच में सीनियर मिल गया तो कोई जिससे बचते बचाते घूम रहे वो वहीं मिल गया तो बोले रुक जाओ। तो फिर हमने ये डिसाइड किया चारों ने मिलके कि आज लोग हम लोग जो है वो शहर में ही गुजारने वाले हैं, मतलब कुछ करेंगे व्यवस्था, उसके बाद में हम कल सुबह आएंगे वापस। चले गए। अब जब वहां गए तो होटल में वो आप लोगों से क्या करता है, दो रूम हमने बोले कि हम 4 लोग हैं हमें 2 रूम दे दीजिए, उसने बोला ठीक है सर, बोले आईडी दिखाओ। अब एक जो था एक क्या हम सबके पास वही आईडी थी, ठीक है तो हमने क्या किया वो अपने कॉलेज वाली आईडी बोले ठीक, उस कॉलेज वाली आईडी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और ठीक है, और जैसे कि जिस भी जैसे अब वो बहुत छोटा सा ही शहर आप समझ लीजिए, ठीक है वो छोटा सा शहर समझ लीजिए, तो उसमें क्या होता है लोगों को पता होता है कि यहाँ पे सबसे फेमस चीज जो है वो NIT है, और उनको ये भी पता होता है ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ठीक है और ज्यादा होटल वाले ने कुछ ज्यादा उंगली नहीं की, घबराए नहीं। तो हम लोग चले गए रूम वूम में सेट हो गए, उससे पहले भी वहां पर थोड़ी देर घूमते रहे, वहां पे एक झील टाइप की, हमने सोचा कि रात यहां गुजार लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर नहीं समझ में आया सबको, सब बोले कि रेस्ट करना जरूरी है, तो चलो होटल में चले गए। अब क्या हुआ कि उसने सिर्फ हमें बोला यार ये आईडी इसको दे दो, ये हो सकता है ये कुछ गड़बड़ करते, डर तो लगता है ना बिकॉज नए नए थे, और ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में जाकर आप कोई बहुत बड़े कांड वाले काम नहीं करोगे, करोगे बट पहले ही दिन कोई नहीं करता, पहले ही दिन सब सतर्क रहते। तो हमारा तो ये दूसरा या पहला ही वीकेंड था, हम बाहर फरार थे, ये बोल के हम घर जा रहे हैं। तो हुआ ये, तो उसने कुछ नहीं, हमें लगा कि ये पकड़ाएगा आज, उसने कुछ नहीं। फिर उसी होटल में जो सीनियर्स थे 4th ईयर के जो सीनियर थे उनकी कुछ जॉब वगैरह लगी थी, जॉब पार्टी चल रही थी उसी होटल में, ठीक है हाँ ऐसा होता है कि जब आपकी जॉब लगती है तो आप अपने दोस्तों को पार्टी वार्टी देते हो, और ये पार्टी का माहौल हॉस्टल के अंदर तो मुश्किल बनता है, तो आप बाहर जाके देते हो, ठीक है। तो जिससे हम यहां पर बचते बचाते घूम रहे थे उसके पास ही हम वहां जाके पहुंच गए, वहां पे हमें पकड़ लिया गया, बोले कौन से ईयर के, वो फर्स्ट ईयर के, बोले यहां क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी आज हॉस्टल बंक करके हम लोग यहां मतलब लेट हो गए थे एंट्री करने में, और रैगिंग वैगिंग हो जाती है बाहर, तो बोले वहां पर तो रैगिंग होनी नहीं चाहिए हॉस्टल में रैगिंग से बचने के लिए, तो हम लोग यहाँ रुके थे और अब आप मिल गए सर हमें सामने। बोले अच्छा आ जाओ, बोले अपने दोनों रूम लॉक करो हमारे वाले रूम में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, और वहां पे उनकी पार्टी चल रही थी तो वो पहले से ही माहौल में थे, ठीक है। तो अब भैया वो शुरू हो गए, बोले गाना सुनाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक बोल रहा है इनके पेरेंट्स को फोन करो, हम बोल रहे नहीं नहीं पेरेंट्स को मत फोन करो, डांस वांस करवाना है तो वो हम कर सकते हैं, ये करके दिखाना है तो वो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने भैया बहुत जम के रैगिंग ली, बहुत जम के, यस आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग इन वर्ड्स, हाँ मतलब वो इंटरेक्शन बोल दीजिए और कुछ भी, आप गाना सुनाओ जोक सुनाओ ये करके दिखाओ,
ये लोग किसी को फोन मिला दिया, इसको ये वाली बात बोल के दिखाओ, ऐसी चीजें बहुत सारी चली। ठीक है, शुरू शुरू में तो डर रहे थे हम एक डेढ़ घंटे, बाद में फिर उन्होंने रिलैक्स कर दिया, बातें बातें हुई, फिर हम अपने कमरों में जाके सो गए। फिर अगले दिन सुबह वही सीनियर्स बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो गार्ड है, क्योंकि जब आप यहाँ पर रहते हो तो ये जो गार्ड वार्ड ड्यूटी दे रहे हैं इनको आप 4 सालों से जानते हो, ठीक है, आपको 4 साल हो जाए तो आपकी इतनी रैपो बिल्डअप हो जाती है, तो वो लेके गए बोले इनको अंदर घुसा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम चले गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जिससे हम बचते हुए भाग रहे थे उसी के ही पास पहुंच गए। बाद में उन सीनियर से बहुत अच्छी बनती भी थी, ऑल्दो उनका वो लास्ट ईयर था, हाँ लास्ट ईयर था, फिर भी वो जो उसमें से एक सीनियर थे पुनीत सर करके थे, मैं उनको जानता भी था अच्छे से, तो वो जितनी भी बार मिलते थे बोले बहुत बढ़िया यार तुम लोगों ने जो काम किया है पहले ईयर में, बोले हमने भी किए इतने कांड, बट पहले ही संडे या पहले ही वीकेंड में तो भागने का हमने भी नहीं किया, बहुत बढ़िया, बोले शाबाश। फिर उन्होंने आगे सपोर्ट भी किया, आगे चीजें समझाई भी, बहुत उसका फायदा भी मिला। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट वीकेंड ऑफ कॉलेज। ठीक है, फिर समझ में आ गया कि भैया अब नहीं जाएंगे, होगी पार्टी बहुत, ठीक है अब हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये एक, फिर वो जिसको बोलते हैं फ्रेशर्स नाइट होती है, वो फ्रेशर्स नाइट के बाद में ये बाउंड्रीज हट जाती है, अब आप फ्री हो, आप घूमो, हाँ कोई अगर आपकी रैगिंग ले रहा है तो वो आपकी जिम्मेवारी है, वैसे नहीं होती रैगिंग वैगिंग, ज्यादा घबराई नहीं। ठीक है, चलिए, आई होप एंड बिलीव। तो अच्छा, एक और चीज जिससे आप ये फील कर सकते हो कि आप जिस दुनिया में जाने वाले हो, ठीक है, वो बहुत मजेदार है, प्लीज जम के मेहनत करें यार सभी लोग, प्लीज। ठीक है, माई रिक्वेस्ट, और मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं तो NIT में पहुंच पाया, आप लोग IIT में जाएं, और ऐसे मजेदार किससे मुझसे शेयर करना, फिर वहां जाके फोन कर लेना। ठीक है जी, चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।